प्रतानी स्थिरचरिकर व्याप्यभिरप्रलोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भाषितान् कामजन्यान् त्यक्त्वा सर्वान् विशेषान् स्वकृतिमधुरहुं मायया भोजयन्तो माया सङ्ख्यातुल्यं परमं कृतमजं ब्रह्मयत्तं न कोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के अद्वैत नामक तृतीय प्रकरण पर विचार करते हुए अब हम लोग उस जगह पर पहुँचा जहाँ पे ग्रंथ का ये बोल रही है कि देखो जिस वस्तु की जो स्वाभाविक प्रकृति है वो कभी बदल नहीं सकता। कोई बात ऐसा मानते हैं कि उत्पत्ति से पहले ये जो है जन्म रहित था, उत्पत्ति के बाद ये जन्म वाला हो जाएगा और जन्मने वाला होगा तो विनाश वाला हो जाएगा और दोनों ही पारमार्थिक होगा और फिर मरने के बाद जो है जन्म रहित हो जाएगा। परंतु जिसकी जो स्वभाव जो प्रकृति है वो कभी बदल नहीं सकती, तो प्रकृति बदलना संभव नहीं है। इसलिए बदल ना भवति अमृतम मर्तम न मर्तम अमृतम तथा जो मरणशील मरना जिसका स्वभाव है वो अमर नहीं हो सकता और अमर जिसका स्वभाव है वो मरणशील नहीं हो सकता। क्यों? प्रकृति अन्यथा भावो न कथनचित भविष्यति। किसी भी वस्तु के जो अपनी प्रकृति अपना स्वभाव है कभी भी अन्यथा नहीं होगा। अब बताओ कि स्वभावेन अमृत रस भाव गच्छति मर्तता। स्वभाव से जो अमृत है वो यदि पारमार्थिक भाव से फिर मरण धर्म को प्राप्त कर लेगा और फिर क्या होगा, कृतकेन अमृत तस्य प्रथम स्थास्यति निश्चयः। फिर आप साधन के जगह फिर अमृतत्व को प्राप्त करोगे तो स्थिर कैसे हो सकता है? क्यों? न्याय क्या है? जब कृतकम तद अनित्यम, जो कृति शब्द होगा वो निश्चित ही अनित्य होगा। तो फर्क ये सिद्धांत तो नहीं बन सकता। एक वादी ने मतलब परमार्थ भेदा भेदवाद पारमार्थिक भेदा भेद बता व्यवहार काल में भेद है मुक्ति अवस्था में अभेद है, इस वादी को खंडन करने के लिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि श्रुति ने तो सृष्टि की प्रकृति कही है वहाँ पे, तो सृष्टि को गलत क्यों बोलते हो? वो तो तात्पर्य निकालने के बाद श्रुति वाक्यों की ये निकलता है कि पारमार्थिक नहीं है। तब तो श्रुति को चाहे पारमार्थिक सृष्टि हो चाहे अपारमार्थिक सृष्टि, श्रुति वाक्यों नहीं निकल कर रहा, उसमें श्रुति की कोई गलती नहीं है। तात्पर्य निर्णय छह बिंदुओं पर आधार कर देखिए कि हमें पारमार्थिक कहना चाहते हैं अथवा वो प्रातिभाषिक कहना चाहते हैं। कौन सा चल रहा था? हम लोग 23 ना भूत श्लोक पे एक साथ भूत तो वापी सृज्यमाने समाश्रुति निश्चितम युक्ति युक्तम च यत्तद् भवति नेतरम्। बोलते हैं भूतत्व वापि, चाहे सृष्टि पारमार्थिक हो चाहे सृष्टि अपारमार्थिक हो, सृज्य माने जिस समय सृष्टि हो रहा है समा श्रुति स्तुति एक ही प्रकार की होगी, श्रुति में कोई भिन्नता नहीं हो सकता। परंतु उनमें कौन सा निश्चित करना है जो युक्ति संगत होगा, युक्ति युक्तम निश्चित जब तक भवती न इंद्र, उसको सच्चा मानना पड़ेगा, दूसरा को आप नहीं मान सकते हैं, दूसरा को सही नहीं है। इसके ऊपर भाष्य पढ़ लिए जो पूरा है ना, नहीं भाष्य टीका दोनों का चाहे भाष्य चल रहा था कि यहाँ तक हो गया था भाष्य। भूतत्व परमार्थ तो पेज 162 भूतत्व परमार्थ तो सृज्यमाने वस्तुनि और भूतत्व मायाया वा माया बिना इव सृज्यमाने वस्तुनि समा तुल्ला सृष्टि श्रुति। यहाँ तक हम पढ़ते हैं, ठीक है ना।
यहाँ तीसरी ग्रंथ भाष्यकार बोला ये जो लोग कहते हैं अजाति गादि न सृष्टि प्रतिपादि का स्तुति न संकक्षते प्रमाण पूर्व शंका कर रहे हैं, ये जो अजातवाद को सिद्ध करने वाले जो सिद्धांत है ये श्रुति के साथ मिल करके नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? श्रुति को सृष्टि प्रतिपादन करती है इसलिए मिल करके नहीं चल। बारण ठीक है, आप सही बोल रहे हो। हाँ श्रुति में सृष्टिवाद को है, बारण सृष्टि प्रतिपादि का श्रुति ही साधु आपका पड़ा, परंतु वो जो है सृष्टि को प्रतिपादन करने के लिए नहीं, इसलिए है वो। आपके पास पहले श्लोक बोल कर क्या था, मृत्यु विस्फुलिंग सृष्टि या चोरी का अन्न था उपाय से अवताराय नष्ट कथन है ना, वहाँ पे भेद पारमार्थिक नहीं है, वो तो अवतार इसलिए किया एकत्व बुद्धि को दृढ़ करने के लिए उपाय है श्रुति के लिए है ना, इसीलिए बोलते हैं उपाय से अवतार यदि अवचाम हमने बोल कर आया एकत्व बुद्धि को दृढ़ करने के लिए श्रुति के द्वारा इस उपाय को अपनाया गया। तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हो फिर, तो इदानी उक्ति अपि परिहार पुनश्चुद्ध परिहारो विवक्षित अर्थम प्रति सृष्टि स्तुति अक्षरणाम आनुलम्य विरोध आशंका मात्र को लग। आप जो बोले थे कि नहीं सृष्टि श्रुति है सृष्टि की प्रतिपादन करना चाहते हैं, मैंने जब तक एक बार इसको बोल करके अभी आपको हम दिखाएंगे कि सृष्टि वाक्य की तात्पर्य कहाँ पे, उसके लिए मैंने यहाँ उठाया सृष्टि वाक्य की तात्पर्य एकत्व में है सृष्टि में तात्पर्य नहीं है उसको स्पष्ट करके दिखाने के लिए पूर्वा पर आलोचना करके दिखाने के लिए दोबारा शंका उठा के निराकरण करना चाहते हैं। विवक्षित अर्थ भिन्न पट क्या था, अद्वैत रूप सृष्टि मिथ्यात्व रूपम का सृष्टि जो है ना अद्वैत रूप सृष्टि वो मिथ्या रूप है और सत्य रूप है, फिर जो कहना चाहते हैं उस अमर प्रतिपादन अद्वैत रूप सृष्टि मिथ्यात्व रूपम अद्वैत रूप सृष्टि वो मिथ्या रूप है ना, यहाँ पे मतलब सृष्टि का प्रतिपादन क्या करने के लिए अद्वैत प्रतिपादन करने के लिए अथवा मिथ्यात्व प्रतिपादन करने के लिए, तो मैं इसलिए विवक्षित अर्थ है सृष्टि स्तुति अक्षरणम आनुलोम्य आनुलोम्य मतलब सामंजस्य उपकरण अर्थकर्तम मतलब युक्तिपूर्ण सामंजस्य किसमें होता है उसको दिखाने के लिए ये जो है विरोध और शंका मतलब परिहार किया, विरोध किया और शंका को निराकरण करने के लिए आया, फिर आया है भूतत्व परमात्मा पांच नंबर टिप्पणी करते परिणाम परिणाम बात को लेकर के बोलते हैं शंका सारा परिणाम बात को लेकर के हो जाए और उत्तर सारा विवर्त बात को दिया जाए। परिणाम बात से दोष है बात, क्योंकि परिणाम होने के लिए जगत के मूल उपादान कारण को परिणामी उपादान कारण होना पड़ेगा, जो वस्तु परिणामी होते हैं वो विकारी होते हैं नाशवान होते हैं ना, इसलिए वो नित्य नहीं हो पाएगा, तब क्या होगा मुक्ति भी संभव नहीं होगा। तो आगे यहाँ पे बोलते हैं भूतत्व परमार्थत्व सृज्यमान वस्तु ने है ना, पारमार्थिक उसके वस्तु सृष्टि होने का मतलब परिणाम बचे और भूतत्व माया या माया बिना ही अथवा अभूत मतलब मायावी के द्वारा माया माई सृष्टि होने पर भी सृज्यमान वस्तु ने जो वस्तु सृष्टि हो रहा है उसको जो समा उल्टा सृष्टि उसी विषय में तो सृष्टि स्थिति एक ही प्रकार की होगी। आप बताओ जादूगर जो दिखाते हैं आपको वो जो आपको सामान्य व्यवहार में सच रूप में देखते हैं वही ना आपको दिखाते हैं, उसमें से कुछ विशेष जादूगर दिखाते हैं जो व्यवहार होना संभव नहीं है, अपन तो हमको देखने में तो सही कहते हैं। जिस प्रकार मान लो किसी व्यक्ति का पेट और हाथ काट के दिखाया तो जैसे कि किसी को काटते हैं जैसा तो उसे तो दिखाएगा, व्यवहारिक कटिंग जैसा होता है जादूगर जादूगर जब काटे वही कटिंग उसे दिखेगा, परंतु हमें कटिंग पारमार्थिक नहीं है या सोचिए निष्कृत रूप मतलब जा माया भी के द्वारा माया हुआ जो जादू देखे जादू पर क्या देखते हैं यहाँ तक काट के अलग कर दिया और फिर वो बोल भी जाएंगे अलग कर ऐसा करके बोलते हैं, तो कठिन तो दोनों का एक ही प्रकार के जैसे ये काटते हैं खून खान सब निकलेगा आपको, फिर भी वो क्या होगा जिंदा रहेगा, एक जादूगर की जादू है मतलब व्यवहारिक व्यवहारिक कटिंग जैसा होता है जादुई कटिंग वैसे ही होता है देखने वैसे ही लगेगा परंतु कुछ भिन्नता तो है इसीलिए तात्पर्य होता है भूतत्व तो परमार्थ तो सृज्यमान वस्तु ने अभूत तो माया है माया भी नहीं वो सृज्यमान वस्तु ने समाकुल सृष्टि स्तुति व सृष्टि स्तुति तो एक ही प्रकार की होने वाली नहीं नहीं देखो जो एक जगह पे गौण होता है एक जगह पे मुख होता है, गौण और मुख में मुख को ग्रहण करना चाहिए, ये गौण प्रयोग नहीं है ये सामान्य न्याय है,
लेकिन जब यदि गौण और मुख्य दोनों प्रकार से प्रयोग होना संभव है तो वहाँ पे गौण को ग्रहण नहीं करना चाहिए, मुख्य ग्रहण होना चाहिए। बोलते हैं ननु गौण मुख्यो मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति युक्त। यदि गौण और मुख्य ग्रहण, आपने क्या कहा सृष्टि स्थिति वहाँ पे दिखाई देने पर भी सृष्टि में पारमार्थिकता नहीं है, गौण है। यदि गौण और मुख्य एक ही प्रकार है, उसमें मुख्य शब्दार्थ, उसमें मुख्य अर्थ में शब्दार्थ को ग्रहण करना युक्तिसंगत होता है। शब्दार्थ प्रतिपत्ति युक्त मुख्य अर्थ शब्दार्थ प्रतिपत्ति युक्त मुख्य विषय में शब्द के अर्थ को समझना युक्ति संगत है। तो सिद्धांत बोलता है ऐसी बात नहीं, क्योंकि दूसरी किसी प्रकार से सृष्टि होना संभव ही नहीं है, अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्ध अप्रसिद्धत्व अविश्व के निष्प्रयोजन अवोचाम। दूसरी किसी प्रकार से मतलब पारमार्थिक रूप से सृष्टि कभी होना संभव ही नहीं है। जगत की मूल उपादान कारण जिसको दिखाया गया है वो जब परिणामी नहीं है और एक अभी वह अद्वितीय मंत्रवादी की तरह अनेक कारण को नहीं माना, हमने एक ही कारण माना, तो उस अवस्था में श्रुति ऐसे ही बताती है उस अवस्था में वहाँ पे जो है मतलब पारमार्थिक सृष्टि मतलब परिणामवाद को मानना संभव नहीं है, किंतु तब मूल उपादान कारण बिगड़ जाएगा, श्रुति वाक्य को वहाँ भिन्न हो जाएगा। न अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्ध अप्रसिद्धत्व दूसरे प्रकार के सृष्टि का प्रसिद्ध नहीं होने का। अब मान लो सृष्टि ने श्रुति में कितनी जगह पर सृष्टि के प्रतिपादन किया, एक जगह पे भी श्रुति ने ऐसा नहीं कहा कि इस सृष्टि को जानने से आपको ये लाभ होगा, एक जगह भी श्रुति ऐसा नहीं कहती तो सृष्टि को जानने से हमें प्रयोजन है उसका। इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि श्रुति पारमार्थिक नहीं है। अब सात नंबर टिप्पणी में देखो अन्यथा अमायिक का यदि अर्थ मतलब माया को छोड़कर के दूसरी प्रकार दूसरी किसी प्रकार का सृष्टि होना होना संभव, अमायिक का मतलब अन्यथा मतलब विवर्तवाद को छोड़कर का किसी भी प्रकार से सृष्टि होना संभव ही नहीं है, ये अन्यथा शब्द का अमायिक अमायिकी अमायिक क्या अन्न माया को छोड़ करके उसको उसका कोई उपाय नहीं है। सृष्टि मतलब सृष्टि शब्द ही भी जाता है, सृष्टि शब्द के अभिप्राय तत्व क्या है कि माइक सृष्टि को कहने का अभिप्राय है और प्रसिद्ध प्रसिद्धि नहीं होने के कारण। और दूसरी बात क्या है निष्प्रयोजनत्वाद च, किसी भी जगह पर सृष्टि के ज्ञान से आपको ये प्रयोजन सिद्ध होगा कोई भी श्रुति वाक्य में ऐसा नहीं कहा, इसलिए यदि अवोचाम हमने ऐसा पहले कह करके आया मतलब होते हैं अविद्या सृष्टि विषय एव सर्व गौणी मुखा च सृष्टि न परमात्म, जहाँ कहीं भी आपको चाहे गौण बोलो मुख्य बोलो सृष्टि अविद्या सृष्टि विषय सृष्टि अविद्या है, इस अविद्या के कारण ही मतलब अधिष्ठान तत्व के अज्ञान ही भ्रांत वस्तु को कल्पना करने में मजबूर कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं अविद्या सृष्टि विषय अविद्या को आश्रय करके सृष्टि विषय करते एवं सर्व गौणी मुख्य का सृष्टि चाहे गौण सृष्टि मानो चाहे मुख्य सृष्टि मानो सृष्टि को अविद्या है न पारमार्थ न पारमार्थिक सृष्टि है न पारमार्थिक सृष्टि है। कैसे पता लगा श्रुति बोलती है सवाई अभ्यंतरो अंतर महासवे की वस्तु विद्यमान जन्म रो यदि श्रुते तस्मा श्रुत्या निश्चितम यद एकमेव अद्वितीयम अजम अमृतमिति युक्ति युक्तम, इसलिए श्रुति के द्वारा अथवा श्रुति से जो निश्चय होता है कि एकमेव अद्वितीय ही वो जन्म नहीं जाए वो मरण नहीं जाए, है ना। ये अजम अमृत मतलब जन्म मृत्यु से रहित है, जन्म भी रहित है मृत्यु से भी रहित है, इसे मतलब उत्पत्ति और नाश दोनों नहीं है। तस्मात् श्रुत्या निश्चितम, इसलिए श्रुति के द्वारा जो निश्चय किया गया कह दिया जब एकमेव अद्वितीय जो एक शुद्ध चेतन व्यापक है और भेद सजातीय विजातीय सब भेद से रहित है, इस प्रकार जो अजम अमृतमिति जन्म मृत्यु से रहित जो तत्व है वही स्वीकार करना युक्तिसंगत है। इसलिए जो निश्चितम युक्ति युक्तम च है ना जो श्लोक की तृतीय पाद है निश्चितम युक्ति युक्तम च श्रुति के द्वारा जो निश्चय किया गया वही युक्तिसंगत है। च एक नंबर टिप्पणी तस्मात् सृष्टि आविद्यकत्वेन मिथ्यात्व एक नंबर टिप्पणी पेज 163 है ना कि तो क्या बोलते हैं वहाँ पे तस्मात् सृष्टि आविद्यकत्वेन मिथ्यात्व। अच्छा अब क्या हो गया आगे बोलते हैं युक्त्या च संपन्नम तत् एव इति अवचाम पूर्वे ग्रंथे, युक्ति के द्वारा जो संपत्ति से जो प्राप्त होता है
तब एक वही है कि अगोचाम ही अपने पहले ग्रंथ में पूर्व ग्रंथ में अभी कह करके आया तदेव सुविधत्त भवति जो चुप्ति के द्वारा ग्रहण होता है निश्चय होता है समझ में आता है कोई हदुपदेशन का कोई श्रुतिवाद का कोई किताब तदेव सुविधत्त भवति न इतर कदाचित अभी इससे भिन्न पारमार्थिक सृष्टि कभी पारमार्थिक परिणाम पद को लेकर कभी भी सृष्टि होना संभव ही नहीं है वेदांत के दृष्टिकोण के हिसाब से आप इसके ऊपर टीका को देखिए टीका के साथ फिर दोबारा बात से स्पष्ट हो जाएगा स्वीकार करना चाहिए परिणाम पाद को सृष्टि श्रुति के आधार पर स्वीकार करना चाहिए यदि आशंक ऐसा शंका उठा करके उसका निराश करते हैं कौन भूतत्व हो गया था परिणामवादे विवर्तवादे जो सृष्टि स्तुति और विशेषा चाहे परिणामवाद को लेकर के बोले चाहे विवर्तवाद को लेकर के बोले सामने जो प्रतीति हो रहा है वो दोनों बात में एक ही प्रकार बोलेगा जब तक हमको समझ में नहीं आता है कि मैं भ्रांति से दिखाई दे रहा है मेरे को सर्प तब तक आपको सच्चाई सर्प दिखेगा व्यवहारिक सर्प ही दिखेगा व्यवहारिक सर्प दिखेगा इसके परिणामवाद में हो चाहे विवर्तवाद में हो बोलते समय अज्ञान काल में बोलते समय तब उनको सच ही बोलोगे अब झूठने का तो उसमें पता लग गया झूठ तब तो कोई समस्या ही नहीं है हल हो गया मन से इसलिए हम बोलते हैं परिणामवादे विवर्तवादे जो सृष्टि स्तुति और विशेषा दोनों एक ही प्रकार होने का अद्वैत अनुरोधी श्रुति युक्ति वशात इसलिए अद्वैत को अनुसरण करते हुए जो श्रुति है और युक्ति के मध्य मिथ्यात्व अनुमान हो जाने के कारण विवर्तवाद से वीकर्तव्य विवर्तवाद को स्वीकार करना चाहिए इति भाव सृष्टि स्तुते अद्वैत आनुगुण्य प्रमाण युक्ति अनुग्रहितम अद्वैतम एव अद्भुत अद्भुत अंतर्गमिति फलितम अहम सृष्टि स्तुते कहा सृष्टि स्तुते है अद्वैत आनुगुण्य अद्वैत के अनुकूल होने के कारण प्रमाण कैसे हुआ प्रमाण युक्ति अनुग्रहित अमूल विषय है प्रमाण और युक्ति दोनों के द्वारा अनुग्रहित होकर के अद्वैत सिद्ध होता है अद्वैतम एव अद्भुत अंतर्गमिति भेद रहित तो कोई ग्रहण करना समझना चाहिए इति फलितम आहुसी को मन में रखते हुए बोलते हैं निश्चितम युक्ति युक्तम च जब तक भवति न इतर जो युक्तिपूर्वक निश्चय होता है इसलिए वेदांत तो इतना लोग होते हैं जो तत्व के बारे में वेदांत तो वर्णन करते ग्रंथ अथवा वाक्य वगैरह कहने जो उनको नहीं है परंतु युक्तिपूर्वक उसको ग्रहण होता है इंटेलेक्चुअल पीपल पे अपील करता है युक्तिपूर्वक जब तक ये युक्ति का विषय भी नहीं है श्रुति का प्रतिज्ञा तो बुद्धि के बाहर है जो जो सच्चाई है जो परम तत्व है वो क्या है वो बुद्धि का विषय भी नहीं है परंतु जिस प्रकार युक्ति के द्वारा हम बुद्धि के बाहर के वस्तु को समझ सकते हैं अनुभव कर सकते हैं वो बुद्धिपूर्वक बनता है वो बुद्धिपूर्वक बनता है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना इसलिए बोलते हैं आप बुद्धि के बाहर के वस्तु को समझने के लिए जिस प्रकार के युक्ति अथवा श्रुति वाक्यों को सहारा लेना पड़ता है और तब फिर वो बुद्धि में बैठ जाते हैं हमारे पास का ये ऐसे ही होना चाहिए फिर अनुभव जब वो निश्चय होता है फिर बाद में अनुभव होने लगता है अब जो है श्लोक व्यावर्ताम शंकाम दर्शयति श्लोक के द्वारा निराकरण करने जो पूरे शंका है उसको देखा जाए ननु अजातिवादी सृष्टि प्रतिभागति न संगच्छति प्रमाणम अद्वैतवादी अथवा अजातवादी के जो सिद्धांत है वो सृष्टि को प्रतिपादन करने वाला श्रुति के साथ मिलकर के प्रामाणिक रूप में मिलकर के नहीं चल सकते हैं ठीक है फिर यदि का आत्मा कार्याकारेण न जायते तरी सृष्टि श्रुति अस्पष्ट से यदि आत्मा कार्य रूप में उत्पन्न नहीं होता तब तो सृष्टि श्रुति असंगत हो जाएगा सृष्टि स्थिति का तो मान ही नहीं रह जाएगा इसके बजाय यदि आत्मा कार्य आकारेण न जायते कार्य रूप में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती तरी तब तो सृष्टि स्तुति तब तो सृष्टि अस्पृष्ट तब तो सृष्टि स्तुति असंगत हो जाएगा अस्पृष्ट मतलब असंग का स्वार्थ प्रच्युत जिस अर्थ को प्रतिबंध न करना चाहते हैं उस अर्थ से उच्युत हो जाएगा स्वार्थ प्रच्युता श्रुति अपने स्व अर्थ से प्रच्युत हो जाएगी श्रुति अनुवादिनी
हाँ ये क्या है, सृष्टि असृष्टि हमको दिखाई पड़ती है, इसलिए अड़ुआ था ये प्रतिभा तो है ना। इसलिए देखिए आप सृष्टि अनुवाद श्रुति अस्थि अभी तक, हाँ सृष्टि को बताने वाली श्रुति है ये, हम विकार करते हैं, आप ये नहीं कहते भी नहीं है, इसलिए बोलते हैं सृष्टि अनुवाद चीज को जो कैसे शब्द को अगर ध्यान देगा तो आपको सिद्धांत का पता है, सृष्टि प्रतिपादिनी श्रुति नहीं बोल रहे, सृष्टि अनुवादिनी श्रुति है ना, सृष्टि अनुवादिनी श्रुति अस्थिति अंगीकार, इसके बाद हम विकार करते हैं बाढ़ सही बोला आधा अंगीकार करते हैं, सत्यम मतलब क्या होता है आपने जो बोला सही है, बाढ़ मतलब आधा अंगीकार ठीक है, इतना ही सब सही है, सृष्टि को अनुवाद करने वाली बात को है बाढ़ तस्या मिथ्या सृष्टि अनुवादित्वेन प्रथम उपपत्ति इति आशंका आह होते हैं, यदि वो जो सृष्टि श्रुति है वो मिथ्या होगा तो युक्ति संगत क्या श्रुति बाप कैसे हो सकता है, तस्या श्रुति उस श्रुति का मिथ्या सृष्टि अनुवादित है ना, जो मिथ्या सृष्टि का अनुवादक होगी अनुवादिका होगी तो प्रथम उपपत्ति उस प्रकार श्रुति बाप को कैसे युक्ति संगत हो सकता है, शंकावादी बोल रहे हैं यदि आशंका आह, इसको उत्तर बोलते हैं साधु सृष्टि प्रतिपादी का श्रुति साके पर सृष्टि प्रतिपादी का श्रुति क्यों अन्न परा साधु अन्न परा क्या परा एकत्व बोध परा एकत्व बोध कराने लगी है ठीक है, तस्या मतलब तस्या श्रुति मिथ्या सृष्टि अनुवादित न मिथ्या सृष्टि का अनुवादिका हो जाए तो कथम उपपत्ति और कैसे युक्ति संगत हो सकता है, यदि आशंक ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं साधु अन्न परा सा श्रुति एकत्व बोध परा अन्न परा, ये हमने पहले कथन कहा कथम अद्वैत करते न सृष्टि स्तुति उपपत्ति, अद्वैत का बोधक होकर सृष्टि स्तुति कैसे युक्ति संगत हो सकते हैं ठीक है, इसका क्या बोलते हैं कथम अद्वैत परत्वे न मतलब अद्वैत बोधकत्वे न कैसे अद्वैत के बोधक के रूप में सृष्टि स्तुति उपपत्ति सृष्टि स्तुति का युक्ति संगत कैसे हो सकता है, यदि आशंका आह ऐसा भी शंका करते हैं उसको उपाय में बोलते हैं उत्तर बोलते हैं उपाय स अवताराय नस्ति भेद कथंचन, यह पहले बोल कर आया ये तो एक सृष्टि के द्वारा अध्यारोप प्रक्रिया को अपने एक उपाय के रूप में अवलंबन किया गया है, क्यों कार्य कभी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकते, उपाय स अवताराय ये देखिए मंत्र नंबर है मंत्र नंबर नंबर 15 उपाय सब बताना ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो क्या होता है कि यदि सृष्टि स्थिति अद्वैत परते न तद विरोध समाधि अधस्ता एव उक्तो तरी पुनश्चित तत्परिहारश्च अयुक्तो पुनरुक्त आशंका आह, तो कथम अत्र ये देखो क्या उपाय सब बता रहा है ठीक है, सृष्टि के द्वारा एक उपाय को अपनाया गया एकत्व बुद्धि को दृढ़ करने के लिए, एकत्व बुद्धि कैसे दृढ़ हुआ क्योंकि कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता, चाहे विवर्तवाद में हो चाहे परिणामवाद में, परिणामवाद में यह समझना आसान होता है तो परिणामवाद के द्वारा दिखा करके देखो ऐसे ही विवर्तवाद में भी यही सिद्धांत है, इसमें कोई फर्क नहीं है, अब देखिए आप यदि फिजिका सृष्टि स्तुति सृष्टि स्तुति का अद्वैत परतेन तद विरोध समाधि सृष्टि स्तुति का अद्वैत का बोध होने पर तो क्या है कि जो सृष्टि स्तुति में जो विरोध दिखाई पड़ता है विरोध का समाधान हो जाता है, तद विरोध समाधि देखिए 9 नंबर टिप्पणी में तस्मिन अद्वैत सृष्टि स्तुति विरोध तद विरोध उस अद्वैत में जो सृष्टि स्तुति का विरोध दिखाई पड़ता है क्योंकि अद्वैत होना ही मतलब सृष्टि मतलब क्या हो गया द्वैत का बोध, ध्यान देना सृष्टि मतलब द्वैत का बोध और अद्वैत मतलब द्वैत का बात होना, सृष्टि मतलब द्वैत का बोध और अद्वैत मतलब द्वैत का बात होना, दोनों के विरोध है सीधा विरोध है सृष्टि का सिद्धांत का विरोध, इसलिए बोलते हैं कि तद विरोध समाधि के तस्मिन अद्वैत सृष्टि स्थिति विरोध तद विरोध सृष्टि स्थिति का जो विरोध है यह तद विरोध समाधि के पाठांतर को विरोध का समाधि समाधान तद विरोध समाधि वो जो विरोध आपात रूप में प्रतीत हो रहा है, अब देखिए समाधि ने दीर्घ कर दिया, समाधि में सामान्य से क्या होता है रस होता है, विरोध से समाधि से विरोध समाधि दीर्घन क्या होगा दीर्घ कर दीर्घ हो जाएगा ना हरी हरी मति मति विरोध से समाधि विरोध समाधि
इसलिए हमें बोलते हैं कर विरोध समाधि रीति पाठांतर। कहीं पर ऐसा भी बात है उसका विरोध है पाठांतर में, हमें क्या बोलते हैं कर विरोध समाधि, वो जो विरोध था उस विरोध का समाधान दोनों जो है यहाँ पे अधस्ता ने उपको मतलब पहले कथन का अधस्ता मतलब नीचे पहले कथन करके आया कथन का तरी पुनर्चुक्त उसका परिहार दोबारा उसको उठा करके उसको निराकरण करना तो पुनरुक्ति को सजा का द्वितीय संगत नहीं है पुनरुक्ति है ये भी पुनरुक्ति हो जाएगा यदि आश्रम का है जैसा कोई शंका करके उसको तरह बोलते हैं नहीं नहीं हम आपको स्तुति वाक्यों की मतलब अनुलोम्यता अनुलोम मतलब अद्वैत की अनुकूलता अद्वैत की अनुकूलता भी हमने दिखाने के लिए उठाया है स्तुति वाक्यों की अद्वैत की अनुकूलता को दिखाने के लिए हमने दोबारा इसको उठा करके समाधान कर दिया ठीक है। उपदेपुत्र विरोध मतलब वो जो मतलब अद्वैत और सृष्टि स्तुति अद्वैत स्तुति का जो विरोध होता है विरोध और उसका परिहार एक बार हमने कहा क्या कहा उपाय से अवतार है हमने इतना ही बोल दिया आपको आप वहाँ पे क्या बोला था मृदो विश्वलिंग हमने केवल सृष्टि को ही कहा मृतिका लोहा विश्वलिंग सृष्टि दिखाई पड़ते हैं उपाय से अवतार है परंतु श्रुति बाप के आमलोक ने तो मतलब उसके पहले क्या कहा उसके अंतिम में क्या कहा इसके बारे में आपको नहीं दिखाया मतलब संघार बलवान लिंगों के द्वारा नहीं दिखाया तब आपको समझ में आ जाएगा सृष्टि स्तुति के प्रतिपादन क्या करना चाहते हैं इसलिए दोबारा उठा करके दोबारा बोलते हैं इसलिए बोलते हैं तद विरोध समाधि अधस्ता के उक्तो पहले भी कथन कर दिया कहीं पुनर्चुक तब दोबारा यहाँ पे शंका तक परिहार उसकी परिहार तो युक्ति संगत नहीं है इसलिए कैसे शंका करने को उत्तर पुनरुक्ति एक दोष कह देगा पुनरुक्ति दोष है वेदांत में पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता क्यों नहीं माना जाता कि भगवान श्री कृष्ण को देखिए कितने बार बोलते हैं अजोनित तो सदा जाए दे प्रिय देव कभी बोलो अजोनित तो शास्त्र कर जब जाए थे मेरे वीर जब बोलते उसको जो है बार बार उसको मन में बैठाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से कहना अद्वैत में जो है पुनरुक्ति का दोष नहीं माना गया क्योंकि दूर अवगाही हत्वा अत्यंत कठिन है समझना इस कारण से पुनरुक्ति यदि आशंक अह पुनरुक्ति दोष हो जाएगा इस शंका करने पर उत्तर दे जाए इदानी उक्ति अभी परिहार है पहले इसका शंका और उत्तर को दे दें पुनश्चित परिहार और दोबारा इसका जो शंका और निराकरण विवक्षित अर्थम प्रति जो हमारे विवक्षित है अद्वैत अर्थ अद्वैत गोत्र के प्रति सृष्टि स्तुति अक्षराना सृष्टि स्तुति का जो पद आया हो उन पद का आनुलोम्य मतलब अद्वैत विरोधी नहीं है वो पूर्वापर युक्ति वगैरह दिखाने के लिए जो है हम यहाँ पे दोबारा उठा करके इसको परिहार करते हैं। देखिए यहाँ पे टीका का लिखते हैं मिथ्या सृष्टि वादे स्तुति पदाना अष्टियत अभवत ठीक है ना तत्तेजो अष्टियत इंद्र माया भीते इस प्रकार जो अष्टियत अभवत ठीक है ये बात श्रुति वाक्यों को लेकर के बोलते हैं मिथ्या सृष्टि वादे श्रुति पदाना मिथ्या सृष्टि का बोधक में श्रुतियों का पद क्या हो गया उत्पन्न हुई थी इस प्रकार के दो वक्त इत्यादि नाम इस प्रकार वाक्यों का असामंजस्य सामंजस्य नहीं करना विरोध आशंका और उसके विरोध को शंका को तावन मात्र परिहार को उतना मात्र को परिहार करने के लिए पुनश्चित परिहार मतलब वहाँ पे अश्लील शब्द का क्या अर्थ है अभवत शब्द का देखिए वहाँ पे आनंद के लिए बोल रहे तत्सच त्यच अभवत कहाँ पे आए तैतरीय श्रुति सत्सच त्यच अभवत वो सतरूप भी बन गया सतरूप भी बन गया तत्रूप भी बन गया मतलब स्थूल रूप भी बन गया सूक्ष्म रूप भी बन गया तैतरीय श्रुति में ही नहीं तो अभवत पद सृष्टि को लेकर के बोल और अश्लील तब तेज अश्लील इस प्रकार दो जगह पे जो सूर्य का मतलब छंद को सूर्य तैतरीय में मुख्य रूप से सृष्टि वही को मुख्य रूप से दिखता है तो इस प्रकार के सूर्यवाद को भी तात्पर्य को दिखाने के लिए देखिए मिथ्या सृष्टि बाधे श्रुति पदाना मिथ्या सृष्टियों की बोध कराने में जो श्रुति की पद आयु पद क्या है अष्टी जगह एक नंबर ठीक है दो नंबर क्या है अभवत दो नंबर जब तक आपको ये श्रुति पूरा याद नहीं रहेगा टीका लगाना मुश्किल पड़ता है कहाँ कहाँ से क्या क्या सब लोग कहाँ से लाएंगे ये दोनों कोटेशन है ठीक है ना तत्व सच अभवत ये दो जगह
इत्यादि लाभ असामंजस्य, इस प्रकार का असामंजस्य विरोध आशंका और असमंजस्य के कारण जो विरोध होता है, कावन इतना मात्र इन श्रुति वाक्यों की तात्पर्य किसमें है उसको दिखाने के लिए, कावन मात्र परिहार, तो इतना मात्र परिहार करने के लिए पुनः परिहार और दोबारा शंका उठा करके उसका निराकरण किया जाता है। प्रश्न नंबर तीन, तावन मात्र विरोध मात्र में देव तो आपको विरोध दिखाई पड़ते हैं, अस्थिरत्व तो बोला अवमत्व तो बोला, परंतु वहाँ पे सृष्टि में अथवा अपने पारमार्थिक रूप में परिणाम में संभावना नहीं है, इस विरोध को परिहार करने के लिए यहाँ पे फिर दोबारा उठा करके निराकरण करते हैं। श्लोक से तात्पर्य उक्ता, इस प्रकार श्लोक में जो कहा अभिप्रेत अर्थ गया, श्लोक की अभिप्रेत अर्थ गया, तात्पर्य का अर्थ गया, उसको कथन करने के बाद पूर्वाधक्षराणि श्लोक में पहला अर्थ गया भूतो भावी सृज्यमाने समास पूर्वार्थ है, तात्पर्य मुक्ता पूर्वार्थ अक्षराणि व्याकरोति, पहला भाग में आया हुआ जो अक्षर है उसको व्याख्या करते हैं कौन, भगवान भाष्यकार। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना वचन है पुराण भागवत में, माया ही माया सृष्टा इत्यादि तेज अस्थि श्रुति, ठीक है, तुमको उपनिषद बात को समझ में नहीं आता, ये भगवान की सीधा सीधा बात को तो समझ में आ जाएगा, क्या सीधा बात पर देखो ग्यारह नंबर टिप्पणी पूरा श्लोक दिया हुआ है, माया हेषा मया सृष्ट, ब्रह्म सूत्र में भी दो बार आया भगवान भास्कर उद्धृत किया, जन्मं पश्यसि नारदः सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैवं मामन्तुमर्हसि इति पद्य शेष कविता की पद्य मतलब इस श्लोक की इतना शेष केवल पंक्ति का था, तो एक बात दिया हुआ है बाकी तीन बार ऐसी है, माया हिषा मया सृष्टि जन्म पश्यसि नारद सर्वभूते गुणैर्युक्त सर्वभूत गुणैर्युक्त नैवं मामन्तुमर्हसि नैवं माम ज्ञातुमर्हसि, ये श्रुति नहीं है महाभारत की है शांति पर्व की, हाँ बोला श्रुति माया ही ऐसा मैं इत्यादि पर तेज सृजत सृजता इति श्रुति इसके समान है, तब तेज असृजत श्रुति बातों के ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान स्वयं अपने सृष्टिकर्ता स्वयं अपने नारद को बोल रहे हैं, ये जो नारद तुमने मेरा तो ये रूप दिखाई दे रहे ना, तुमको जन्माष्टमी बनाते हो इतना सब करते हो ना, ये सब अपने आप बोले माई कह माया ही हेषा माया सृष्टा, ये माया की तरह मैं अपने आप माइक रूप करके आपके सामने दिखाई तो माया सृष्टा जन्म पश्य सिनार, ये जिस रूप में तुम मेरे को दिखाई दे रहे हो है ना, जो जिस रूप में तुम मेरे को देख रहे हो पश्यसी देख रहे हो, ये सारा माइक है, सर्वभूते गुणेर युक्त, ये जो गुण है पांच भूत है और पांच भूत में तीन प्रकार के गुण काम करता है, ये सारा गुण और उसकी भूतों से जुड़ा हुआ है, मैं तो अभौतिक गुणातीत हूँ, ये तो भूत और भूतों के गुणों से बनी हुई है सृष्टि, और मैं तो अभौतिक गुणातीत हूँ मैं, इसलिए किस प्रकार के लोग जिन्हें तुम जानोगे तो मेरे को पारमार्थिक नहीं समझ पाओ, अपने आप भगवान बोल रहे तो मेरे पारमार्थिक रूप में सुनो, नैव माम अजर सर्व पूर्ण भूते युक्त, क्योंकि ये समस्त भूतों के गुण और भूत और भूत का भौतिक और त्रिगुणात्मिक है, नैव माम मंतु मनसी अवलंबन करके अगर रह जाओगे तो मेरे को पारमार्थिक नहीं समझ पाओगे, देखिए आपने आप बोलते पुराण में बताया महाभारत बोलते हैं माया हेषा मया सृष्टा जन्म पश्यसि नारद सर्वभूते गुणैर्युक्त नैव माम मंतु मनसि वहाँ पे ज्ञातु मनसि भाष्यकार सृष्टि करता स्वयं अपने आप बोल रहे हैं, ये तो मेरी माई सृष्टि है, जो भी कुछ दिखाई दे इससे तो मेरे को यदि ही फसा हुआ रह जाओगे तो मेरे को पारमार्थिक रूप में समझ नहीं पाओगे, अपने आप सृष्टि करता बोलते हैं, ये हो गया अस्सी का श्रुति का अर्थ, क्या बोला था वहाँ पे अभवत,
और सत्य रूप में और तत् रूप में ये मूर्त अमूर्त भी सच तत् शब्द आया हुआ है। मूर्तम च मूर्त तत् सत्य तत्स्य इस पर वहाँ भी आया हुआ है। मूर्त अमूर्त ब्राह्मण में था और ये है आपका ऐतरीय में यही तो सत्य तत्ति श्रुति स्तुति देवदत्त व्याघ्र अभवत इति वदन सिंह मानव सिंह मानव कैसे बोलते हैं एक बच्चा जो है कि शेर की तरह है देवदत्त बच्चा शेर हो गया इस प्रकार देवदत्त व्याघ्र अभवत तब तक क्या दिखाई दे रहा था एक मान मनुष्य और उस शेर की तरह दिखाई देने लग गया अब तक वास्तविक शेर की तरह नहीं हुआ शेर की कुछ बहुत लोग बोलते हैं इसको ये भगवत शब्द का ये अर्थ है हनुमगिरि कहाँ पर ठूक के लाने अष्टीय स्मृति का क्या अर्थ है पुराण के आधार पर बोला और ये जो मतलब शकुंतला सिंह मानव का सिंह मानव का शकुंतला में आया हुआ उसको भरत ऋषि को छोटे बचपन में देख रहे साथ खेल रहे थे शकुंतला में पूछो उसको देख कर वहाँ पे हमारे कार्य सिंह मानव करे तो यहाँ पे बोलते हैं श्रुति वहाँ की और श्रुति वाक्य कौन सा श्रुति सत्य त्याग चौवती देवदत्त व्याघ्र अभवत अब तक क्या हो गया देवदत्त वाक शेर हो गया जैसा इस प्रकार की बात तब वो हुआ नहीं कोई एक गुण को अवलंबन करके उसको ऐसा खा जा रहा है बच्चे को शेर की तरह खा जा रहा है अग्नि मार बताओ बच्चा अगर अग्नि हो जाए तो लग जाएगा पूरा तो पढ़ने लिखने बहुत तेज है बच्चा उसको तेज है उसको समझाने के लिए अग्नि मान वगर किसी का अंदर शेर के साथ खेल रहा है छोटा बच्चा सिंह को पकड़ करके पलट रहा है तो बोलते सिंह मान वगर शेर की बच्चे है इस प्रकार प्रयोग होता है ऐसे ही देवदत्त श्रुति देवदत्त व्यक्त अभवत दिवक ये श्रुति वाक्य दो श्रुति वाक्यों को लेकर के बोल रहे तब के लिए अस्थि अब माया ही ऐसा माया चीज का सच चौवत श्रुति देवदत्त व्यक्त अभवत दिवक बारह नंबर टिप्पण देवदत्त अमृत्य व्यक्त देवदत्त अभवत इति प्रयोग जाता तथा देवदत्त वास्तविक क्षय रूप में नहीं बनता बोलते हैं मतलब कुछ भूत को लेकर के कुछ उपाधि को लेकर के मान लो कोई व्यक्ति ने कोई उपाधि में ऊपर से मुखर चढ़ा करके कुछ व्यवहार करता है तो उसका पारमार्थ्य रूप नहीं होता उसका पारमार्थ्य बोलते हैं कि अग्निदेव अपनी व्याकृत दस्य देवदत्त अभवत यदि देवदत्त में जो अभवत शब्द प्रयोग किया गया कि प्रयोग तथा जैसे हमें प्रयोग हुआ तथा यह अभी सत्य त्याच अभवत वो कभी सत अत्याच रूप में बदला नहीं ऊपर से माया का पर्दा लगा करके लग है कि सत तत्व हो गया है ना इसलिए यहाँ पे बोलती है अग्नि जो टिप्पणी पढ़ने से आपको बहुत शब्दों को समाज के तो पूरा अर्थ लिखता है तब आपको अच्छा भी लगेगा लेकिन इतना सुनते अग्नि दे अभी व्याघ्रत देवदत्त में व्याघ्रत तो हमें ढूंढने पर भी देवदत्त जैसे देवदत्त में अभव शब्द प्रयोग किया गया बोला देवदत्त व्याघ्र अभवत अंतर देवदत्त सिंह हो गया था तो हमें क्या बोलते हैं यदि प्रयोग हो जथा तथा यदि इस प्रकार जैसे प्रयोग होता है ऐसा यहाँ भी समझना चाहिए क्या हो गया टिप्पणी में देवदत्त यदि अच्छा न तो सत्यम विशेषण अत्र उपलब्ध थे हाँ दोनों जगह पे जो आप देखिए तब तेज अस्थि जता तब तेज सत्यम अस्थि जता अथवा सत्य अत्यत्य सत्यम अभवत ऐसा सत्य शब्द वहाँ पे नहीं प्राप्त हो रहा है ये सत्यत्व ऊपर से कल्पना कर रहे हैं सत्यत्व शब्द हम श्रुति कहीं भी प्रयोग नहीं किए इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि न जब सत्यत्व विशेषण अर्थ उपलब्ध थे सत्य और सत्य विशेषण जो नहीं मिलता तब विपरीत माई का ये तो मिल जाता है सत्य शब्द नहीं मिलता तब विपरीत सृष्टि के साथ माया शब्द मिल जाता है इंद्र माया भी पूर्वी माया ही ऐसा माया सृष्टा माया से सृष्टि अपने आप खुद ही बोलती है नहीं सत्य अत्याचरण शब्द मतलब क्या हो गया वो मूर्त और अमूर्त रूप उस स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है उस स्थूल रूप में नहीं दिखाई पड़ता उसको क्यों करता है सत शब्द को प्रयोग कर दिया सत के पारमार्थिक अर्थ क्या है त्रिकाल अपाधत्तम शब्द यह कहना चाहता है परंतु उस उन सत शब्द को अन्य जगह पर प्रयोग करना तो अच्छा अच्छा गुण भी होता है और ये सत शब्द कहें तो स्थूल और सूक्ष्म को लेकर के प्रयोग किया देखना मूर्त अमूर्त ब्राह्मण में वहाँ पे सत सत्य होगा मूर्त अमूर्त प्रयुक्त हो जाए मतलब कुछ समझ में आते हैं स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं उसका अत्यर्थ का स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता
मूर्त मूर्त में पांच 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 में से तीन भूत मूर्त है और दो भूत अमूर्त है, पृथ्वी जल और तेज ये मूर्त रूप है, रूप दिखाई पड़ता है, वायु और आकाश में रूप नहीं है, इसलिए अमूर्त है। ये सब इस प्रकार से कहा गया। कई श्रुति को जब पूरा आपका दिमाग में समझ में बैठेगा ना, तब इसकी अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आता, निश्चय कर पाएंगे, तब आप निश्चय कर। एक बार श्रुति पढ़ के आप पूरा वेदांत को समझ जाएंगे ये होना संभव नहीं, पूरा एक बार पढ़ लीजिए, फिर जहाँ हो सकता है थोड़ा सा मन में रख करके सतर्क होकर के विचार करके दोबारा पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि हमारे संप्रदाय के आचार्य लोग कैसा श्रुति को विरोधन किया, तब पता लगेगा कैसे तो उसका विशेषित नहीं किया गया। तेन मायामय्याम श्रेष्ठौ इष्टायाम अपि सृष्टि स्तुति श्रेष्ठा इति अर्थ है। ठीक पढ़ा, देखिए संधि को देखिए, तेन मायामय्याम तो प्रतिपदी क्या है यहाँ पे, मायामयी सृष्टि स्त्रीलिंग है, उसका शब्द में एक वचन है मायामय्याम सृष्टो, सृष्टि शब्द में एक वचन सृष्टो, ठीक है, मायामयी सृष्टो इष्टायाम अपि, ये अभिष्ट होती भी सृष्टि स्तुति सृष्टा, सृष्टि स्तुति संगत है, सृष्टि स्तुति संगत है, ठीक है। तेन मायामय्याम सृष्टो इष्टायाम अपि, मायामयी सृष्टि ये अभिष्ट होते हुए भी इस प्रकार के श्रुतिवाक्य संगत हो जाती है, ठीक है। ये दोनों चीज चाहिए आप, एक तो संधि भी ठीक से, ये उस भक्ति का अर्थ क्या, ये मायामयी सृष्टि सबसे प्रमेयता होते हुए भी श्रुतिवाक्य आपका सृष्टि संगत हो जाता है। अब जो है उनका आगे बोल कर आए थे कि गौण मुख्योर मुख्य संप्रत्यय इति न्यायम, यदि एक ही जगह पे गौण और मुख्य प्रयोग हुआ है तो आपको मुख्य प्रयोग को लेना चाहिए, गौण को नहीं लेना चाहिए, परंतु देवदत्त मानव सिंह मानव इस प्रकार में यदि आपको प्रयोग हुआ है तो आप देवदत्त को मुख्य अर्थ मतलब मुख्य सिंह हो गया मानेंगे कि नहीं मानेंगे, देवदत्त सिंह मानव का बोल रहे हैं आप, वहाँ पे आपने प्रयोग किया उसको, अब यहाँ पे मुख तो होना यदि संभव होता तब कर लेते, इधर तो बोलते हैं मनु का मानु मनुष्य का पुत्र, इधर बोलते सिंह सिंह मानव का, जब आपने शब्द प्रयोग किया तो व्याघात शब्द है कि नहीं है, सिंह तो शेर का पुत्र होगा, शेर का बच्चा सिंह होगा और मनुष्य का पुत्र मनुष्य होगा, तब आप दोनों को मिला करके बोल दिया, अब जब दोनों को मिला करके आपने बोला तो उसका तात्पर्य कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हमें बोलते हैं कि गौण मुख्योर मुख्य, गौण और मुख्य अर्थ जहाँ पे संभव है मुख्य संप्रत्यय वहाँ पे मुख्य लय लेना चाहिए, यदि नया मास्टिक इस युक्ति का आश्रय करके शंका करते हैं, आप बिल्कुल सही बोला, यदि मुख्य अर्थ लेना संभव होता तब हम देते, यदि मुख्य अर्थ लेना संभव होता तब क्या होता है सारा दैत्य प्रपंच सत्य हो जाता, तो श्रुति प्रतिपदन नहीं करता, पहले क्या प्रतिज्ञा किया एकम एक मत दे दिया, इसीलिए आप बोलते हैं अग्नि मानवक इति अत्र मानवके अग्निशब्द प्रयोगे अपि अग्निम आनय इत्यादि प्रयोगे प्रथमं मन्ये प्रतिते मुखमेव प्रथमं प्रतिवाति इति मुखे पद व्युत्पत्ते मुखार्थतः मुख अर्थतया सत्या सृष्टि देष्टव्य इति अर्थ संशोधन करने लास्ट में क्या लिखा मैंने जो पढ़ा उसको क्या लिखा है सत्या सृष्टि तो दिखाएगा होगा इति तो वकार कर दीजिए उसको, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे अग्नि मानव अग्नि ये बच्चा अग्नि आग है बोलते नहीं बच्चा तो आग है मतलब तेज है बहुत तेज है कहना चाहते हैं मानते तो अग्नि मानव के इत्यत्र मानव के अग्नि शब्द प्रयोग अभी इस प्रकार एक मनुष्य में अग्नि शब्द का प्रयोग होने पर भी अग्नि आनय आग को लाओ तब कोई बच्चा को उठा के नहीं लाएगा वो अग्नि को ही लाएगा, ठीक है ना, ये गौण प्रयोग है कौन अग्नि मानव तो अग्नि आनय जब यहाँ पे ऐसा कहेंगे तब क्या होगा सच्चा अग्नि को ही लाएगा, अग्नि
आदय इत्यादि प्रयोग प्रथम सबसे पहले बंधी प्रतीति मुख और विधेय प्रतीति होने पर मुख में प्रथम प्रतिभा वहाँ पे करते मुख अर्थ ही पहले प्रतीति होती थी। मुख्य पद उत्पत्ति मुख्य अर्थ में पद का बोध उत्पन्न होने से मुख्य अर्थतया सत्य सृष्टि भी सृष्टि में सत्यता को समझना चाहिए। मुख्य अर्थ के रूप में सत्य सृष्टि अष्टव्य सृष्टि सत्य है ऐसा अभिष्ट होना चाहिए। अष्टव्य इस पर पूर्ववादी बोल रहे हैं पूर्ववादी बात को व्याख्या कर रहे हैं सिद्धांति का बोलते हैं मुख्य सृष्टि अंगीकार अभी सत्य सृष्टि न सिद्धांति सृष्टि मुख मतलब सृष्टि वाक्य मुख है ठीक है इसको अंगीकार करने पर भी परंतु सत्य सृष्टि न सिद्ध सृष्टि में सत्य तो सिद्ध नहीं होता। आपने सृष्टि शब्द कहा सृष्टि का मुख्य अर्थ क्या है उत्पन्न होना सृष्टि शब्द का उत्पन्न होना ये अर्थ लेने पर भी परंतु वो सत्य ये नहीं ले सकते ठीक है। इस प्रकार रज्जु में सर्प की उत्पत्ति हुई मरुभूमि में एक तालाब उत्पन्न हो गया यह हम वहाँ को इनको शब्द मानने पर भी परंतु तालाब सच्चा है कि झूठ है वो तो नहीं सिद्ध होना ना हमें दिखाई दे वहाँ पर तालाब दिखाई दे रहा है तो ठीक है तालाब को उत्पन्न हो जितना हम मानने के लिए दे रहा है परंतु तालाब सच्चा है कि झूठ है वो हमने कहाँ कैसे निश्चय करोगे जाकर के देखो तभी ना। इसलिए बोलते हैं मुख्य सृष्टि अंगीकार या विशिष्ट तो मुख्य है ऐसा अंगीकार करने पर भी सत्य सृष्टि न सिद्धति सृष्टि सत्य है ये सिद्ध नहीं होता। आपने कहा मैंने आपने आँख से देख करके आया क्या देखा वहाँ पे राजस्थान की डिजर्ट में बहुत सुंदर एक झील बनी हुई है। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं आपने देखा अपने आँख से परंतु वो झील सही है कि नहीं है ये कैसे निर्णय करो ये कैसे निर्णय करो। इसीलिए हम बोलते हैं कि मुख्य सृष्टि अंगीकार सृष्टि न सिद्ध थी मुख्य सृष्टि अंगीकार करने पर भी सत्य सृष्टि सिद्ध नहीं होता। यहाँ पे देखिए भू इति प्रयोग विषय मुख्यत्व अभिप्राय भू मतलब भू धातु भू सत्ताया धातु है ना तो भू इति प्रयोग विषय भू धातु का प्रयोग का विषय होने पर भी मुख्यत्व मुख्य होगा ऐसा यदि कहते हैं तो ये जरूरी नहीं है हो गया उत्पन्न हुआ है वहाँ पे सत्य क्या वहाँ सर्प है परंतु है भाग किसका है ये सर्प है ये सर्प ये जो आप बोल रहे हो वो है भाग किसकी है वो अधिष्ठान की है भाग है वो अधिष्ठान की है वो अपने कल्पित वस्तु में आरोप करके बोल रहे हो इसीलिए वो सत्य कल्पित वस्तु सत्य ये निश्चय नहीं होता है भाग कौन मानते हैं वहां पर तो कुछ है ये तो निश्चय नहीं कर रहे मतलब जिस रूप में आपको दिखाई दे रहा है वो रूप सत्य नहीं है। हमेशा ध्यान रखना वेदांत की सृष्टि की सत्ता को निषेध नहीं करता सृष्टि के नाम रूप को निषेध करते हैं नहीं त्रिशु अपनी कालेशु जगत सत्यम व्यभिचर तीनों काल में जगत अपनी सत्ता को कभी व्यभिचार नहीं करता क्या व्यभिचार करता है नाम रूप की व्यभिचार करता है उतना हिस्सा में मिथ्या बोलते हैं आपको वहाँ पे सर्प जो है ये हम निषेध नहीं करते परंतु क्या है यह तुमने निश्चय नहीं करता वो जो है भाग है अधिष्ठान की भाग इसलिए बोलते हैं भू प्रीति प्रयोग विषयत्म मुख्यत्म इति अभिप्राय मुख्य ऐसा करके कहते हैं मुख्यत्व अंगीकार भी सत्य सृष्टि न सिद्ध मानती से सृष्टि सत्य ये सिद्ध नहीं होता। लौकिकाना मुख्य सृष्टि सत्य सृष्टि तेन प्रसिद्धि फल अभाव न तत्र श्रुति तात्पर्य विद्या है ना लौकिकाना मतलब तार्किक आदि ना मत अपने बुद्धि से अपने सिद्धांत को बनाने वालों का मुख्य सृष्टि मतलब सृष्टि की मुख्यता सत्य सृष्टि तेन प्रसिद्ध जो सत्य है सृष्टि इस प्रकार से प्रसिद्ध होने पर भी फल अभाव आज का कोई बात नहीं जो दैत्य को सत्य माना माधवा जाते वो दैत्य सत्य मानने वाले को कुछ कभी पूछ करके देखो होगी भाई जागतिक वस्तु के ज्ञान से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी नहीं होगी इसको निश्चय नहीं करके भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है जागरिक तत्व भी मन फसा रहे भगवत जी ने आकर के बोलने मनमजे ये जो वेदांति कहते हैं जगत मिथ्या है इसके पीछे अभिप्राय यही है कि जब तक जगत में जागृतिक बुद्धि रहे तब तक भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने वाला नहीं है। इसी को भगवान अपने आप बोलते हैं माया ही हर्षा माया सृष्टि जन्म वर्ष ना तो सर्वभूत है न तो हम इतने प्यार को इससे तो मैं ज्ञान नहीं पाऊंगा।
ये जो है अभी प्रश्न लौकिक आना मुख्य सृष्टि लौकिक व्यक्तियों का मुख्य सृष्टि में शुद्ध सृष्टि सृष्टि का शब्द सृष्टि में प्रसिद्ध होने पर भी फल अभाव क्या होता है उस प्रकार ज्ञान से कोई फल प्राप्त नहीं होता फल अभाव न तत्वश्रुति तात्पर्य इसलिए उस मतलब सृष्टि में शब्द तत्वश्रुति की तात्पर्य नहीं है सृष्टि है मान्य है कोई बात नहीं मतलब सृष्टि शब्द में तात्पर्य नहीं है दूसरी भाव इसका मन में रखते बोलते हैं निष्प्रयोजन अवोचाम ये इसका कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगा अन्यथा सृष्टि और सिद्धन करने का स्पष्ट यदि मतलब शुद्ध अन्यथा सृष्टि मतलब शब्द सृष्टि में प्रसिद्धि नहीं होगा प्रसिद्ध अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्ध में स्पष्ट करती मतलब शब्द सृष्टि की प्रसिद्ध भी नहीं है तो उसी को स्पष्ट करके दिखाते अविद्या सभी बाबी ने तो अविद्या के से नाश से ज्ञान होगा मुक्त के सभी बाबी ने माना वेदांति अविद्या के ऊपर अधिष्ठान आपके स्वरूप के अज्ञान को माना अंत बाबी ने जागरिक वस्तु के अज्ञान को माना इसलिए से जान मतलब अज्ञान से मुक्ति बंधन है अपना सृष्टि दिखाई पड़ता है इसलिए बोलते हैं अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धता में स्पष्ट है मतलब शब्द सृष्टि की प्रसिद्धि नहीं है उसको स्पष्ट कर देता है अविद्या सृष्टि विषया एव सर्व गौणी मुख सृष्टि ही अविद्या को विषय करते सृष्टि दिखाई पड़ता है चाहे वो गौण रूप में हो चाहे मुख्य रूप में हो सृष्टि गौण बोलो मुख्य बोलो परंतु अविद्या को विषय करके बोलते हैं न परमात्मा के पारमार्थिक होना संभव नहीं होता समय हो गया कल महिला वाला किया था कुछ दिन हमने दूसरा वाला यद प्रज्ञा लोकाभाषा प्रतिहति आगमन शांतस्थ मोहांधकार उपजन उदंपति यदादिनयोधाभयनमस्े Thank you.